गाइस, वेलकम टू के टू के ब्लॉग। एंड हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत। तो नई दिन की शुरुआत कुछ ऐसी है कि बता नहीं सकते हैं। 10 बजे मैं उठ रहा हूँ अभी। मैंने ना हाथ मुंह धोया है, ना नहाया है। वैसे नहाने का कोई विचार नहीं है मेरा, बिकॉज़ यार मैंने कल ही नहाया था। तुम्हारा भाई थोड़ा आलसी भी तो है, तुम समझा करो यार। तो अभी थोड़ा वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सीन है। अभी अज्जू भाई अपने घर बुला रहे थे, तो वहाँ करेंगे चाय पे चर्चा। क्या करेंगे? चाय पे चर्चा करेंगे, थोड़ा चाय के दीवाने भी तो है हमारे लड़के। चलो मिलते हैं। तो भाई अभी कुछ सीन ऐसा है, अभी मैं हो चुका हूँ खाना आना खा के, हाथ मुँह धो के रेडी। तो अभी जाना है अज्जू भाई के यहाँ। वैसे अज्जू भाई का घर सामने ही है, तो मेरे को दिख रहा हो बाहर पे बैठा है, धूप सेक रहा है। तो यार उनसे जाके मिलते हैं ज़रा। अभी गोकुल भी कह रहा था कि आऊँगा घर के, देखो क्या होता है। वो आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा अज्जू भाई के यहाँ। अज्जू भाई के दौरे जाके ना, मतलब समझा करो तुम, चर्चाएँ होती हैं वहाँ बहुत प्रकार की, क्योंकि उनके जच्चा विधायक है ना, तुम समझा करो। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अज्जू भाई के घर। अज्जू भाई क्या हाल है? हेलो सर, ठीक हो? ये कर रहा हो गए, ये हमारे ललित भाई है। देख लिया था इसको, देख रहा हूँ हमारे ब्लॉगिंग का क्रेज। वोट के अभी एज ही नहीं हुई है मेरी ना, तो अभी तो बच्चा हूँ। दाढ़ी मूंछ से कहाँ जज कर रहे हो तुम? ना ना ना, हमारे यहाँ है 17। हाँ साढ़े, अब 18वां लग जाएगा मेरे को। अगली बार देगा वोट, हाँ अगली बार 2027 में देगा। सीधे 2027 में देंगे वोट, मोदी देगा। हाँ मोदी, हम तो नोटा वाले हैं, नोटा को देंगे वो। हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते भैया, समझ रहे हो तुम। तो गाइस अभी कुछ सीन ऐसा है कि अभी वेदर रिपोर्ट भी तो दे रहा तुम्हारा भाई। तो वेदर अभी तो यहाँ का साफ है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, आज सभी लोगों को पता होगी। अल्मोड़ा में जितने भाई लोग देख रहे हैं, सब ने स्टेटस से भर दिया था। वो मैंने एक मीम से बनाया था, उस पर बड़ा ज़बरदस्त, तो वायरल भी हुआ था शायद यहाँ से, बट पता नहीं यार क्या था सीन। ज़्यादा वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था, मैंने देखा था कुछ लोगों के स्टेटस पर देखा था। और वेदर यार अभी यहाँ का टेम्परेचर है 20-22 डिग्री है शायद मेरे ख्याल से, हाँ उतना ही है। तो मैंने बर्फ़बारी में ज़्यादा ब्लॉगिंग करी नहीं, ज़्यादा क्या कोई करी भी नहीं, क्योंकि यार ज़्यादा स्नो पड़ी नहीं थी यार यहाँ पे, और मन नहीं किया था मेरा बिल्कुल भी। मंदिर ही सोया पड़ा। तुम्हारा भाई समझा करो, तुम्हारा भाई थोड़ा आलसी भी तो है। ये कौन है हमारे फ्री फायर के प्रो प्लेयर? क्या हाल है? बढ़िया। कस्टम में हार के किसने बनाया था कस्टम? बच्चों है ब्लॉग बना रहे क्या? हाँ फिर शर्मा आ गया हमारे का तो हैशटैग कुछ वो आ रहा था इसका नंबर टाइप का ना, तो उसको बना देता मैं इसको। मैंने तू दो आईडी यूज करता है क्या? वो कपिल नहीं किसी के, तू उसमें तो नाम ही नहीं आ रहा तेरा। किसमें? वो आईडी में। तभी तो मैंने कहा ये हैशटैग कौन है? पहले स्टार्ट हो, पहले स्टार टाइप के हैं, फिर उसने डब्बे में वो लिखा है पहाड़ी बॉय। और सुबह क्या नूपंथी कर रहे थे पे? एक भी भयंकर, एक किल नहीं किया, एक बंदे नहीं किया था। मैंने किया था वो, अबे मर जा रहे थे कि अबे यार क्या बताऊं इसको मैं। अज्जू तो नूप जैसा ऐसा चल रहा था, जैसे बोर्ड चलते हो, नेट नहीं चल रहा होता जब, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे चल रहा है। कैसे चल रहा था आप बता? चल रहे थे खतरनाक यार कपिल भी। डायमंड फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सीन कुछ ऐसा है, ये वीडियो कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि इसके ये वीडियो थोड़ा लंबी बन गई थी, तो इसके 2 या 3 पार्ट आएंगे अभी। कुछ दिन के लिए कंटेंट है मतलब मेरे पास, तो